जब पाकिस्तान के नए दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की बुनियाद रखी गई तो यहाँ कारोबार हुकूमत चलाने के लिए कराची से आने वाली अफसरशाही के लिए G6 नामी सेक्टर सबसे पहले आबाद किया गया। इस सेक्टर में एक सिनेमा हॉल भी बनाया गया जिसे सुर संगीत की नस्बत से मेलोडी का नाम दिया गया। लेकिन मेलोडी सिनेमा सन 2003 में मौलाना आजम तारिक के कत्ल के बाद होने वाले हंगामों की नज़र हो गया, जिसके बाद ये कभी दोबारा आबाद ना हो सका। बाद हजार G6 मरकज़ मेलोडी सिनेमा की नस्बत से मेलोडी मार्केट के नाम से ही जुबान ज़द आम हो गया। इस सिनेमा से मुतसिल एक ओपन थिएटर आज भी मौजूद है, जिसके बनाने वालों का ख्याल था कि यहाँ मौसीकार बैठकर रुबाब पर ताने छेड़ेंगे, तबले की लय पर दिल धड़केंगे, हारमोनियम के साज पर रूह वजद में आएगी और जब ढोल की थाप पर पोठोहार का कदीम रक्स सम्मी पेश किया जाएगा तो पूरा माहौल ही महवे रक्स हो जाएगा। मगर अफसोस कि आज ये थिएटर तो मौजूद है मगर यहाँ के वासी इससे इसी तरह बेखबर हैं कि जिस तरह टेक्सला के वासी ये नहीं जानते कि कभी यहाँ गौतम बुद्ध के चेले आकर अम मोहब्बत और वादारी के गीत सुना करते थे। मेलोडी इस्लामाबाद का पहला सिनेमा था जो कि सन 1966 के वस्त में मुकम्मल हुआ था। इसे वफाकी दारुलहुकूमत के तरक्याती इदारे CDA ने बनाया था। CDA ने इसे एक साल खुद चलाया और फिर गुलिस्तान सिनेमा रावलपिंडी के मालिक इकरामुल्ला खटक को लीज पर दे दिया, जिन्होंने इस्लामाबाद के नए वासियों को तफरी मुहैया करने के लिए इसे हर सहूलत से मुहैया कर दिया। उन दिनों आपपारा के फ्लैट और छोटे घर जूनियर स्टाफ के लिए जबकि G63 कमीशन अफसरान के लिए मुख्तस था। इन सब के लिए मेलोडी सिनेमा ही गोशाए आफिया था जहां वो अपने अपने घरों से पैदल ही सिनेमा तक जा सकते थे। उन दिनों यहां नई नई फिल्में लगा करती। मेलोडी सिनेमा की रौनकें सिर्फ इसकी फिल्मों की वजह से ही कायम नहीं थी बल्कि यहां एक रेस्टोरेंट और ड्रीम गर्ल नामी एक नाइट क्लब भी था जिसकी शान शबाना नाम की एक मशहूर रक्कासा थी जो सिनेमा की इमारत में ही रिहाइश पजी थी। एक एंग्लो इंडियन औरत भी इस क्लब में ग्राहकों की खबरगिरी के लिए मौजूद होती। सिनेमा में टिकट घर के साथ शराब की एक दुकान थी जिसका नाम यावर वाइन मर्चेंट था, जहाँ से लोग शराब खरीदते। मेलोडी सिनेमा में आखिरी फिल्म जिनाह लगी थी। फिर 6 अक्टूबर सन 2003 का दिन आया। लोग शाम का शो देख रहे थे कि एक मुश्तिल हजूम सिनेमा में घुस आया। उन्होंने ऐलान किया कि लोग जल्दी सिनेमा खाली कर दें, हम आग लगाने वाले हैं, जिस पर सिनेमा में अफरा तफरी मच गई। लोग जाने बचाकर भाग खड़े हुए। मुश्तिल मुजाहरीन ने सिनेमा जलाकर भस्म कर दिया। मुजाहरीन उसी रोज़ कत्ल होने वाले सिपाही सहाबा के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली मौलाना आजम तारिक के कत्ल पर एहतजाज कर रहे थे, जिन्हें इस्लामाबाद के टोल प्लाजे पर गोलियाँ मार दी गई थी। इस वाकये को आज 17 साल गुजर चुके मगर सिनेमा दोबारा बहाल नहीं हुआ। सन 2005 के तबाहकुन जलजले में सिनेमा के मालिक अतीक खटक ने अपनी वालिदा नफीसा खटक जो कि PTI की MNA हैं उनके साथ मिलकर यहां पर मजदूर खवातीन की बहाली का एक मरकज बनाया था जहां बयक वक्त 50 से ज्यादा खवातीन के इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तियाब थी। अतीक खटक ने बताया कि यहाँ 650 से ज्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, तमाम नशस्तें पीछे झुकने वाली थी। तदयीन और आरइश जिस पर हमने भारी सरमाया सर्फ किया था उसके बाद ये पाकिस्तान का जदीद तरीन सिनेमा बन गया था, मगर सब कुछ एक ही हमले में खाकिस्तर हो गया। हमने सिनेमा जलाए जाने की FIR दर्ज करवाई थी। हुकूमत ने हमारे नुकसान के अजाले का वादा भी किया जो आज तक पूरा नहीं हुआ। कामरान लशारी जब CDA के चेयरमैन थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और सिनेमा की बहाली का मुतालबा किया, मगर मैंने कहा कि क्या आप मुझे जमानत दे सकते हैं कि मेरा सिनेमा दोबारा नहीं जलाया जाएगा, जिस पर वो खामोश हो गए। अच्छा ही हुआ कि मैंने सिनेमा पर मजीद पैसा नहीं लगाया, वगरना लाल मस्जिद के तनाजे में इसे फिर जला दिया जाता, क्योंकि साथ ही आपपारा में CDs की दुकानें जलाई गई थी। उन्होंने बताया कि मैंने हाल ही में लीज़ की तौसी करवाई है लेकिन अब स्टैंडर्ड सिनेमा का दौर नहीं रहा, अब वही सिनेमा चलते हैं जो माल के अंदर हों। हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई और बिजनेस मॉडल इख्तियार किया जाए लेकिन CDA के कवानीन इसकी इजाज़त नहीं देते, जिसकी वजह से हमें हर साल भारी नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ते हैं मगर कारोबार अरसे से बंद है। मेलोडी सिनेमा के इर्द गिर्द वाके सड़कें लाल मस्जिद के तनाजे की वजह से एक अरसे से बंद पड़ी हैं, ऐसे में यहाँ सिनेमा चलाने का खतरा कौन मोल लेगा। ये जगह वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट हाउस सुप्रीम कोर्ट और गैर मुल्की सफारत खानों के इलाके से चंद मिनट के फासले पर है। वजीर आजम इमरान खान मुल्क में सियाहत के फरोग का ख्वाब देखते हैं। अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, गुज़िश्ता सदी की आखिरी दिहाई के इब्तदाई बरसों तक आप पारा से मेलोडी तक गैर मुल्की सियाहों का तांता बंधा होता था, मगर अब वो रास्ते अपने शहरियों के लिए भी बंद पड़े हैं। इस्लामाबाद बज़ाहिर पुरसकून है मगर मेलोडी सिनेमा की आग और धुएं से खाकिस्तर हुई दीवारें बताती हैं कि इस्लामाबाद में डर और खौफ की जो फिजा 70 की दिहाई में कायम हुई थी वो आज भी बरकरार है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।